हाय एवरीवन, वेलकम टू सीजनिंग कल्चर। आज आप सबके लिए एक मुगल की बहुत ही टेस्टी डेजर्ट की रेसिपी लाई हूँ, जिसका नाम है शाही टुकड़ा, जो खाने में टेस्टी है और बनाने में उतनी ही आसान है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और ब्रेड के कुछ पीसेस कट कर लिए हैं। मैंने कुकी कटर से कट किया है, आप नॉर्मल कटोरी से भी कट कर सकते हैं या फिर आप इसका दूसरा शेप भी दे सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और अपने ब्रेड के पीसेस को लगा देंगे इसमें, और लाइट पिंक होने तक दोनों तरफ हम सेक लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। अगर आप लो फ्लेम पे सेकोगे तभी ये बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी निकल के रेडी होगी। तो इसके लिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और इसे धीमे धीमे आंच पे लाइट पिंक होने तक भूनिए। ट्रेडिशनली जो शाही टुकड़ा बनता है उसमें ब्रेड डीप फ्राई होती है, बट यहाँ पे हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, और इससे भी बहुत ही अच्छा शाही टुकड़ा बन के निकलता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम दूसरे साइड भी थोड़ा सा देसी घी लगा के सेकेंगे। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से दूसरे साइड भी देसी घी लगा दिया है और इधर साइड भी हम अच्छे से सेक लेंगे। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ब्रेड को क्रिस्पी भूनने के लिए उसका फ्लेम लो होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल धीमी आँच पर आपको ब्रेड को अपने सेकना है, इससे आपकी ब्रेड बिल्कुल क्रिस्पी बन के निकलेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा और घी लगाया मैंने और कुछ सेकेंड और फ्राई किया, और ये देखिए हमारी ब्रेड बिल्कुल रेडी हो गई है शाही टुकड़े के लिए। तो अब हम इसको एक साइड रखेंगे और दूसरे पैन में लगभग 2 से 2.5 कप मिल्क डालेंगे। अब इस मिल्क को मुझे थोड़ा रिड्यूस करना है, थोड़ा गाढ़ा करना है, थोड़ा सा रबड़ी फॉर्म में लाना है जो हम अपने ब्रेड के ऊपर डालेंगे। तो ये देखिए, कढ़ाई में साइड से निकालते हुए आपको अपने दूध को रिड्यूस करना है, और यहाँ पर मैंने 1 पिंच केसर का डाला है जिससे अच्छा कलर आए हमारे दूध में और एक बढ़िया सा फ्लेवर भी आए। तो उसे भी डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा दूध की एजेस को बार बार निकालते रहना है, नहीं तो आपका दूध लग जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा दूध थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गया है। हमें दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, ठीक ठीक कंसिस्टेंसी रखनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कितनी रखनी है। और यहाँ पे शक्कर मैंने 3 से 3.5 टेबल स्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, बट वो मीठा ही क्या जो मीठा ना हो। तो मैंने यहाँ पे लगभग 3.5 टेबल स्पून डाला है शक्कर, और शक्कर डालने के बाद भी हमें अच्छे से मिक्स करना है, शक्कर बिल्कुल अच्छे से घुल जाए और थोड़ा सा हमारा दूध और गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए, हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। इसको कुक करने में लगभग मुझे 7 से 8 मिनट लगा है, और जब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए, लगभग मुझे इसी कंसिस्टेंसी पे गैस को बंद कर देना है और ये बिल्कुल रेडी है ठंडा करने के लिए। और जब ये कंडेंस मिल्क हमारा बिल्कुल ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पे, तो फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो आइए हम अपनी प्लेटिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने सिके हुए ब्रेड ले लिए हैं, शैलो फ्राई जो हमने किया था, और ये जो हमारा रिड्यूस मिल्क है जो कि खाने में बहुत डिलीशियस है, इसको अब हम अपने ब्रेड के ऊपर पोर कर देंगे हर जगह अच्छे से स्प्रेड करते हुए, और हर एक ब्रेड के ऊपर डालना है, बिल्कुल भी छूटे नहीं, जिससे ब्रेड अच्छे से रबड़ी को पी ले जो खाने में फिर मज़ेदार लगे। तो यहाँ पे मेरा लगभग पूरा ही लग गया था रबड़ी जो मैंने बनाया था। तो ये देखिए, बिल्कुल हमारा सेट हो गया है बहुत अच्छे से, हमने हर एक ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा गार्निश कर देंगे पिस्ता से, मैंने कट करके रख लिया था, और उसको अब हम स्प्रिंकल कर देते हैं हर जगह, जो देखने में भी अच्छा लगेगा और थोड़ा सा क्रंच आएगा। तो ये देखिए, हमारी टेस्टी डिलीशियस शाही टुकड़ा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको आप फ्रिज में रखिए, थोड़ा सा ठंडा करिए और फिर खाइए, तब ये और अच्छी लगेगी खाने में। तो प्लीज़, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं ऐसी ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी आपके लिए लेकर आती रहूं। और कमेंट करके ये भी बताना कि अब नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए, मीठी और नमकीन।